गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई यू नो दैट वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर एंड योर फर्स्ट पॉइंट मे बी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकेंड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड थर्ड स्टूडेंट आर्गुमेंट इन अगेंस्ट against of democracy. There are 3 points. हमने बहुत बढ़िया से define किया था एक simple definition के साथ और फिर हमने कुछ features को पढ़ा था, तो अब थोड़ा सा एक चीज़ों को और add कर लेते हैं. चलो देखते हैं कि थोड़ा broader meaning में definition में क्या होता है. थोड़ा सा democracy की definition को थोड़ा सा increase करते हैं. We generally know that democracy is a form of government. इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, दिस इज डेमोक्रेसी. बट डू यू थिंक दैट ओनली इफ द पीपल आर इलेक्टिंग देयर रूलर दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी? शायद ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी इट मीन्स इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड. डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग में हम देखें तो इलेक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए जिससे अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग जो लीडर्स हैं, वो आते रहें. अभी देखिए हमारी जो 3 लेवल की जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है सिस्टम, उसका भी चुनाव हुआ है. दीज ऑल द थिंग्स, ये हो गया. एंड दिस इज अकाउंटेबल, दिस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. Responsive government. Actually, in broader meaning of democracy, may you can include the argument in favor of democracy. In favor of democracy, you can add these all the things. I have also sent a slide. Meaning of democracy. Okay. यानी representatives or election or जो टेन्योर है, रेगुलर इलेक्शन है, इसको आप ऐड कर सकते हैं ब्रॉडर मीनिंग में. देखते हैं कुछ आर्गुमेंट हम देते हैं जो फेवर में डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी? ना तो डेमोक्रेसी पॉवर्टी कम कर पा रही, ना करप्शन को कम पा रही, ना कुछ कम कर पा रही. लेकिन कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी है. क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव एंड आंसरेबल गवर्नमेंट. इट मीन्स पीपल कैन डिमांड anything from their rulers. They can demand anything from their rulers. And responsive government. और ये कहें कि जब कहा जाता है कि decision जब कई लोग मिल करके लेते हैं तो decision जो लिया जाता है government के प्रति वो बहुत strong होता है. अगर मान लीजिए एक लोग डिसीजन लेंगे, अगर मान लीजिए हम अकेले डिसीजन ले सब कुछ, तो हो सकता है हमसे बाय मिस्टेक हो, कुछ अनकंट्रोल्ड या ऑब्सोल्यूट डिसीजन ले लिया जाए, जैसे कि मोनार्की में लिया जाता है. ठीक है, राजा अकेले डिसीजन ले लिया, गलत हुआ तो देखा जाएगा, फिर बदलेंगे. लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन होता है. अब नेगोशिएशन होता है तो चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके आती हैं, ऐसा माना जाता है. लोग को फ्रीडम मिलता है, लोगों की डिग्निटी को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, इट प्रोवाइड डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन ऑफ कंट्री और लोगों को लाइबर्टी प्रोवाइड कराती है. स्वतंत्र हैं आप, बोल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप डिसीजन लेते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री. ये सब आर्गूमेंट इसके. अब अगेंस्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं 2-3 पॉइंट. अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट में सबसे पहले जो हम
डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गूमेंट देते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। क्यों? डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। लोग जो लीडर्स हमारे इलेक्ट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हमारी जो एक डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, ठीक है। करप्शन, डेमोक्रेसी करप्शन को नहीं कंट्रोल कर पाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में सेकंड अगर देख लें कि बिकॉज आवर रिप्रेजेंटेटिव, लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, व्हेन दे टेक डिसीजन, तो दे टेकिंग डिसीजन दिस कैन बी डिले बिकॉज ए लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर डिस्कसिंग, अ डिस्कशन टेक्स टाइम, तो ये डिसीजन में देरी हो सकती है। कोई बहुत सडन डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत डिले हो जाता है, तो भी एक प्रॉब्लम है। ओके, रिस्पॉन्स, और एक ये हो गया कि डिसीजन डिले, और डिसीजन डिले के साथ साथ जो पुवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर एक बेटर पॉलिसी नहीं बना पाती डेमोक्रेसी बना पा रही आज के भी कई कंट्रियों में हम देख रहे हैं। लेकिन ये जितने भी आर्गूमेंट्स या जो भी आर्गूमेंट फेवर हैं या अगेंस्ट हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सभी कंट्री के लिए नहीं है, सभी लगहों के लिए नहीं, इसको सभी जगह के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्ड ट्रस्ट अमंग डाइवर्स पीपल एंड अलाउ देम लाइव लिव पीसफुली विथ ईच अदर, इट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड इट आल्सो ट्राइज टू लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, इट ऑलवेज विलिंग द करेक्ट एंड ओन मिस्टेक, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज फॉर बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में एक और फायदा जो होता है, अगर आर्गूमेंट में देख लें फेवर में, कि भाई इनकी जो डेमोक्रेसी में जो मिस्टेक्स हो जाते हैं, मान लीजिए कोई मिस्टेक्स होते हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी क्या करती है डेमोक्रेसी में, दोबारा उसको सही कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अदर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप में है, अपने मन से जो भी डिसीजन मन किया तो डिसीजन ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आप हिटलर के बारे में आप पढ़ेंगे, नाजीज़ में एंड राइज ऑफ हिटलर, तो डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो चीज़ नहीं होती है कि बाद में नेगोशिएट करके कोई सुधार करने की जरूरत नहीं, जो चीज़ हो गया हो गया। मान लीजिए कोई बाई मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन करते हैं, फिर उसमें रिफॉर्म करते हैं, फिर अमेंडमेंट होता है, फिर सुधार किया जाता है। इन सब पॉइंट्स को उस स्लाइड में आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू।